लोगों ने कहा, दुनिया ने कहा कि नहीं भाई वो जो है ना ये बड़ा महंगा पड़ता है, पानी इतना नहीं है, अब क्या करें। अब दुनिया ने बस उसके बजाय चले गए क्लोज क्लोज। अब जब क्लोज भी चली गई ना, तो जो सबसे पहला सिस्टम डिजाइन किया गया उसको क्या कहा, उसको कहा हमने रिसर्कुलेटिंग कूलिंग सिस्टम। इसको दूसरे को नाम क्या दिया, ओपन रिसर्कुलेटिंग कूलिंग सिस्टम। इसमें जो सबसे पहली डिजाइनिंग हुई वो ये हुई कि आपने इसको कहा, ये आपने लगा दिया एक पॉन्ड बना दिया बहुत बड़ा सा, और बनाने के बाद इसके अंदर आपने ये पानी दिया थ्रू पंप, और यहां से पानी शावर हुआ, इसको कहते हैं ओपन स्प्रे पॉन्ड। ठीक है ना, ये पानी शावरिंग हो रही होती है, पानी शावरिंग होता है, पानी के ड्रॉपलेट्स मिलते हैं, और फिर ये पानी ठंडा होता है, और ठंडे होने को हम क्या कहते हैं ओपन स्प्रे पॉन्ड। लेकिन हमें फिर ये पता चला कि भाई ये ओपन स्प्रे पॉन्ड जो है इसमें पानी के एवोपरेशन 30-40% है, यानी विंड एग्जॉस्ट हवा आती है, मॉइस्चर को अपना पानी जो बन रहा होता है उसको वो अपने साथ ले जाती है, उसको हम क्या कहते हैं विंड एग्जॉस्ट। ठीक है ना, एवोपरेशन लॉसेस अलग है और विंड एग्जॉस्ट अलग है। पूरी टावर में दो लॉसेस होते हैं, एक एवोपरेशन लॉसेस, दूसरा विंड एग्जॉस्ट, पानी चला गया यहाँ से, तो इसके 30-40% लॉसेस होते हैं पानी। अब ज्यादा से ज्यादा जब और प्रॉब्लम हुई, उन्होंने कहा ये ऑब्सोलेट, लेकिन हम पाकिस्तान अभी तक वो बैड लक कंट्रीज में शामिल है कि जहां तमाम शुगर इंडस्ट्री अभी तक ये इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि पानी के पैसे नहीं देने पड़ते। अब देने पड़ेंगे जब हम विजिट करेंगे ना, हमने शुरू किए शुगर इंडस्ट्री के बारे में विजिट, जब उनको पैसे देने पड़ेंगे ना तो उनको फिर पता चल जाएगा कि किस तरह से ओपन स्प्रे पॉन्ड इस्तेमाल होते हैं। तो फिर ये ओपन स्प्रे पॉन्ड दुनिया भर में इस्तेमाल करना इसको बंद कर दिया गया। फिर उन्होंने साहब कहा कि ओपन स्प्रे पॉन्ड के बजाय उन्होंने कहा कि हम एक दूसरा सिस्टम बनाते हैं, साइंटिस्ट ने कहा हम डिजाइन करते हैं आपके, वो ये था कि ये एक कूलिंग टावर बनाया, ऊपर से पानी शावर किया और नीचे एक फैन लगा दिया यहाँ पे, इसको इसका नाम दिया एवरी फैन फोर्स ड्राफ्ट फैन। आपने एयर यहाँ से दी, ये यहाँ से एयर निकली, ऊपर से पानी शावर हो रहा था, ठीक है, और ये पानी शावर होता गया, ये इसकी इन्होंने पिट बना दी, यहाँ कोल्ड वाटर आ गया, इसको नाम दिया गया फोर्स ड्राफ्ट कूलिंग सिस्टम। क्या नाम दिया गया, फोर्स ड्राफ्ट कूलिंग सिस्टम। लेकिन इसके अंदर भी एवोपरेशन लॉसेस इतने ज्यादा थे और विंडेज लॉसेस इतने ज्यादा थे, तो उन्होंने कहा नहीं जी, इसकी एफिशिएंसी भी अभी जो है वो 25% है, 25% पानी लॉस हो रहा है, अब हम दूसरा सिस्टम, साइंटिस्ट ने कहा इससे ज्यादा बेहतर जो है वो ज्यादा इससे बेहतर है वो लगाते हैं हम, और उसका नाम रख देते हैं इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग सिस्टम। क्या रखते हैं सुना, इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग सिस्टम। इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग सिस्टम में फिर उन्होंने कहा कि हम दो तरह, पहले बनाया एक उसका नाम रखा क्रॉस फ्लो कूलिंग सिस्टम। क्या क्रॉस फ्लो, क्रॉस फ्लो की निशानी क्या होती है, इनमें ये साइड में जो लूअर्स लगे होते हैं ना वो टॉप टू बॉटम होते हैं, टॉप टू ये कौन सा कहलाता है क्रॉस फ्लो, जिसमें सिर्फ नीचे ये बॉटम में लगे हो उसको कहते हैं काउंटर फ्लो, उसको क्या कहते हैं काउंटर फ्लो। इस काउंटर फ्लो में फिर साथ में उन्होंने ये कहा कि भाई कूलिंग टावर चले आप कोई सा भी लगा लें, क्रॉस फ्लो लगा लें, काउंटर फ्लो लगा लें, लेकिन हमें पता चलता है कि एवोपरेशन की थ्योरी है क्या, हमें पता चलता है जब हम एवोपरेशन की थ्योरी की बात करते हैं ना, तो हम ये कहते हैं कि टेम्परेचर एक फैक्टर है, टेम्परेचर और दूसरा है रिमूवल ऑफ वेपर। अगर रिमूवल ऑफ वेपर प्रॉपर होता रहे तो आपका कूलिंग प्रोसेस अच्छा हो जाएगा।
तो हमने चला के ये इंड्यूस ड्राफ्ट तो हमने बना दिया, लेकिन अब हम एवोपरेशन लॉसेस को और विंडेज लॉसेस को कैसे रोकें? हमें पता चला कि हम सबसे पहला काम तो ये करें अपने कूलिंग टावर की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए कि इसके अंदर पैकिंग मटेरियल कहते हैं या बैफिल्स कहते हैं, क्या कहते हैं? बैफिल्स। ये हम इसके अंदर पूरे कूलिंग टावर में लगा दें ताकि हमारा पानी जो हम जो ऊपर से स्प्रे कर रहे हैं ये जितना ज्यादा ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होगा उतनी ज्यादा जल्दी ये ठंडा हो जाएगा। पैकिंग मटेरियल या बैफिल्स लगा दें तो जितना ज्यादा ड्रॉपलेट्स बनेंगे उतना ही ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, और जितना सरफेस एरिया बढ़ जाएगा कूलिंग प्रोसेस जो है हम कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया ऑफ अ वाटर। ठीक है, अब आप ये क्या, ये तो होगा कि कूलिंग प्रोसेस आपका 43 टेम्परेचर का पानी आ रहा था, आप इसमें से ये पैकिंग मटेरियल सारा निकाल दें, आप देखेंगे कि आपके पास ये काउंटर फ्लो या क्रॉस फ्लो जो भी व्हाटएवर यू हैव ये है, तो ये यहाँ पर आपको पता चलेगा कि यहाँ पर 38 कूलिंग के बाद 38 5 डिग्री का फर्क पड़ा। अगर इसको प्रॉपर बैफिस लगाकर इसके सरफेस एरिया को बढ़ा दे तो 38 की बजाय 34 या 32 हो जाएगा, यानी 4-5 डिग्री का फर्क पड़ जाएगा, सिर्फ किस वजह से कि आपने ये सरफेस एरिया बढ़ा दिया। ठीक है, जब आपने सरफेस एरिया बढ़ाया तो फिर आपने क्या किया कि अब दूसरी चीज ने क्या की कि इसको सरफेस एरिया बढ़ाने के बाद क्योंकि ये आईडी फैन तो काम कर रहा है जहां से आपको एवोपरेशन लॉसेस नजर आ रहे हैं जाते हुए शाम के वक्त रात के वक्त आप देखेंगे आपको बकायदा नजर आएगा, दिन में भी नजर आता है ये इसमें से आपको वेपर्स निकलते हुए नजर आ रहे होते हैं। जब वेपर्स नजर आ रहे होते हैं तो फिर क्या होता है कि आप क्या करते हैं कि यहां पर एक इस कूलिंग सिस्टम में उन्होंने एक एडिशनली लगा देते हैं जिसको हम कहते हैं ड्रिफ्ट एलिमिनेटर। क्या कहलाते हैं? ड्रिफ्ट एलिमिनेटर। ये ड्रिफ्ट एलिमिनेटर जो है ना वो इस शेप में बने होते हैं, यहां से एयर तो निकल जाती है लेकिन वाटर मॉलिक्यूल जो है टकराकर नीचे गिर जाता है। आप अपने कूलिंग सिस्टम के अंदर कूलिंग टावर के अंदर अब जो भी आपका मैन्युफैक्चरर सप्लायर जो भी व्हाटएवर जो भी कोई है उसको कहेंगे जी इसके अंदर मुकम्मल ड्रिफ्ट एलिमिनेटर होना चाहिए। अगर 50 लीटर पानी पहले एवोपरेट होता तो अब 50 के बजाय सिर्फ 10 लीटर वाटर की एवोपरेशन यहाँ होनी चाहिए, हमको यहाँ से रात को या दिन को वेपर्स आउट होते हुए नजर नहीं आने चाहिए। वो कैसे नहीं होंगे? सिंपल यहाँ पर ड्रिफ्ट एलिमिनेटर से कहेंगे क्या आप अपनी कहानी मुझे हमें नहीं सुनाई, हम जो कह रहे हैं वो करके दे हमें, क्योंकि वो लोग पढ़े लिखे नहीं होते। ठीक है ना उनको इतनी डिटेल नॉलेज उनकी स्टडी होती है, ये पढ़े लिखे आदमी का आप कैसा पढ़े लिखे लोग होते हैं आपके काम के है